बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइस पे बैठे हुए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के जिम्मेदारान और मेरे बुजुर्गों और अजीज नौजवानों, आज ये राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का इजलास आम था जिसमें आपने शिरकत की, कौमी सदर को भी सुना। इस वक्त आप जानते हैं कि चंद रोज़ पहले जो हादसा पेश आया पुलवामा का सानहा, उसकी वजह से पूरे मुल्क में गम का माहौल है। बहुत दर्दनाक सानहा है, बहुत अलगनाक सानहा है। पूरा मुल्क उन ख़ानदानों के साथ है जिनके जवानों की कुर्बानी इस हादसे में हुई है, और सब लोग मिलकर के ये चाहते हैं कि सरकार सही मानों में कार्रवाई करे और इस हादसे के जो भी जिम्मेदारान हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे। अलबत्ता इस सिलसिले में ये बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि ये कौमी सानहा है, सब लोग एक साथ हैं। ये इसको सियासी रोटी सेकने का ज़रिया न बनाया जाए, चाहे हिज़्बे इख्तलाफ़ हो, चाहे वो हुक्मरा पार्टी हो। ये एक ऐसा मसला है जिस पर पूरा मुल्क साथ है, इसको अपनी सियासत चमकाने का ज़रिया हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए। जनरल इलेक्शन के ताल्लुक से अभी आपके सामने कौमी सदर ने बताया है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मुख्तलिफ पार्टियों के जिम्मेदारों से रबते में है, और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम ख्याल लोगों के साथ हम एक महाज बनाए। आपने पिछले दिनों ये भी देखा था कि कौमी सदर ने मुस्लिम लीडरशिप को भी ख़त लिखा और जो मुस्लिम कायदीन हैं उनको मुतहद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अगर कोई मुनासिब अलाइंस बनता है तो उसके साथ हम जनरल इलेक्शन में आएंगे, और अगर नहीं बनेगा तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अपने बलबूते पर इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेगी और अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। हमारा और आपका काम ये है कि हम तैयार रहें अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने संदेश को आम करने के लिए, और अपने संगठन को गांव-गांव और घर घर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की मदद करने के लिए हम मैदान में आए हैं। ये तहरीक एक ऐसी तहरीक है जो इंसाफ की अलमबरदार है, कुर्बानी देने के लिए मैदान में है, और इंशाल्लाह ये इसी तरीके से काम करती रहेगी। बाकी आप देखिए लोगों का हाल क्या है। अभी पार्लियामेंट के आखिरी इजलास में सपा यानी समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह ने जो तकरीर की है सारी दुनिया ने उसको सुना है, और असली जो चेहरा है उनके मन की बात सामने आ गई है। उन्होंने क्या कहा था, एक बात तो ये कही कि जितने लोग मेंबर हैं पार्लियामेंट के सब दोबारा चुन के आए, ये उनकी ख्वाहिश है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाजपा का बहुमत बना रहे, क्योंकि इस पार्लियामेंट में भाजपा का बहुमत है। तो उन्होंने एक ख्वाहिश तो ये जाहिर की। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैंने जितना काम कहा सब मोदी जी ने किया, और ये सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए मेरी कामना ये है कि दोबारा ये प्रधानमंत्री बने। तो उनके दिल की बात सामने आ गई है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिनको आप अपना मसीहा समझते हैं, जिनको आप अपने मसाइल के हल करने का ज़रिया समझते हैं, वो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री की हैसियत से देखना चाहते हैं, जबकि पूरा देश पनाह मांग रहा है, पूरा देश पनाह मांग रहा है। ये 4.5 साल की सरकार ने जो कुछ दिया है देश को, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अभी जो ताज़ा वाकया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है कि जिन दंगाइयों ने वहाँ फितना किया, वहाँ हंगामा किया और वहाँ फायरिंग की और वहाँ के नज़्म नस्क को ख़राब करने की कोशिश की, उन्हीं की तहरीर पर बेगुनाह यूनियन के जिम्मेदारान और स्टूडेंट के खिलाफ मुकदमा हो गया और गद्दारी की दफ़ा लगा दी। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो ऐसी सरकार को बाकी रखना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, आप अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अपनी लीडरशिप को मजबूत कीजिए, अपने पैगाम को आम कीजिए और मजबूती के साथ लड़ते रहिए। एक बात याद रखिए कि ये लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत दिनों तक हमें लड़ना है,
और इस रास्ते में हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार रहना है, और ये लड़ाई अल्लाह के भरोसे पे लड़ना है, किसी और के भरोसे पे नहीं लड़ना है। याद रखिए कि इख्तदार का मालिक अल्लाह है, जिसे चाहता है इख्तदार देता है और जिससे चाहता है इख्तदार छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील और रुसवा कर देता है, उसी के हाथ में इख्तदार का सरचश्मा है। हमारी लड़ाई अल्लाह के भरोसे है और अल्लाह के भरोसे ये लड़ाई इंशाअल्लाह हम जारी रखेंगे। क्या गम है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। मुझे उम्मीद है कि ये जनरल इलेक्शन का हमारा आगाज़ हो गया है, हमारी मुहिम का ये पहला इजलास है जो सरायमीर की सरजमीन से शुरू हुआ है, और जगह जगह इजलास होंगे, कार्यक्रम होंगे, और मजबूती के साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जनरल इलेक्शन 2019 में हिस्सा लेगी। आप अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, नतीजा इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखरु दावाना।